हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नंबर क्या कह रहा है देखो इफ फोर रहे सेम है लास्ट वाला पैटर्न की ए बी सी डी आर इन जीपी किसके अंदर है भैया जीपी के अंदर है ठीक है, है साहब अब ध्यान देना अगर वो जीपी के अंदर है तो आपको फिर वही कंडीशन पता है कि ए एम ऑल्सो ग्रेटर देन जीएम ए एम का मतलब अगर मैं कंसिडर करता हूं इफ वी कंसिडर फर्स्ट थ्री टर्म्स ए प्लस सी बाय टू ग्रेटर देन जीएम की वैल्यू क्या होगी रूट ए सी ठीक है रूट ए सी का मतलब क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे बी लिख सकता है क्योंकि हम जीएम की बात कर रहे हैं जीपी की बात कर रहे हैं ना टू उधर जाएगा ये ए प्लस है ए प्लस सी ग्रेटर देन टू बी दिस इज यस्ट इक्वेशन इफ यू कंसिडर लास्ट थ्री टर्म्स तब भी ए एम ग्रेटर देन जी एम है ए एम की वैल्यू लास्ट थ्री टर्म कौन सी है आपके पास बी सी एंड डी ठीक है सर बी प्लस डी बाय टू ग्रेटर देन बी डी रूट में ठीक है बी डी रूट में इसका वैल्यू मतलब है सी उधर भेजो बी प्लस डी टू सी दिस इज इक्वेशन क्या करें दोनों में देखो आंसर में क्या चाहिए मुझे ए प्लस डी चाहिए तो ऐड कर दो इन दो दोनों को ना या नेक्स्ट पे कर लेता हूँ ऐड इक्वेशन वन एंड टू ऐड करो ए प्लस सी इस साइड से और उसका बी प्लस डी ग्रेटर देन टू बी प्लस टू सी कॉमन लिया बी प्लस सी अब आप इधर देखो हमारे पास क्या वैल्यू है यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे क्या वैल्यू है बी प्लस सी ये रही आपके पास बी प्लस सी यहाँ क्या चाहिए मुझे ए प्लस डी चाहिए तो ए ये मल्टीप्लाई के अंदर है ना वैल्यू एक सेकेंड क्या करा था मैंने इन दोनों को ऐड किया था प्लस आएगा बीच में ना ठीक है तो ए प्लस डी को मैं अलग कर रहा हूँ और बी प्लस सी को अलग कर रहा हूँ और ये पॉजिटिव में है अब आपको पता है वन बी प्लस सी और टू बी प्लस सी उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा वन बी प्लस सी कितना बचेगा आपके पास ऑब्वियस ही बात है बी प्लस सी बच जाएगा और ये ए प्लस बी एस इट इज ये लो ये हो गया आपका हैंस क्लियर है यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम